हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया था। तो आज हम क्या करेंगे, उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आव्यूह के परिवर्त के बारे में बताया था कि किसी आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं किसी दिए गए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि यदि ए इक्वल टू ए का आपका आव्यूह है, बी इक्वल टू ए का आपका आव्यूह है, तो आपको सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का होल डैश जो है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है, और ए माइनस बी का होल डैश जो है वो ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। डैश यहाँ पर जो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि उस आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, जैसे यहाँ पर लगा ए माइनस बी का होल डैश, इसका मतलब पहले ए से बी को माइनस कीजिए, उसके बाद जो आव्यूह है उसका परिवर्त ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट आप स्वयं सॉल्व कर लोगे जैसे ही एक पार्ट को हम बताएंगे यहाँ पर, बस इधर ही फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इस पार्ट को अगर हमें जो है सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है आपका ए प्लस बी का होल डैश, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू की अगर बात करें तो है माइनस 1 2 3 5 7 9, माइनस 2 1 1, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस बी की अगर बात करें तो बी की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप देख सकते हो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी -1 -4 -5 हो जाएगा। संगत अवयव ही जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था 2 और 1 ये आपका हो जाएगा 3 प्लस प्लस 3 और -5 -2 हो जाएगा, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, 7 2 आपका 9 हो जाएगा, 9 और 0 ये आपका 9 हो जाएगा, -2 और +1 ये -1 हो जाएगा, 1 और 3 ये आपका 4 हो जाएगा, 1 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस बी आ गया, अब इसका डैश निकालना है यानी ट्रांसपोज आप भी निकालना है, परिवर्त आप भी, तो परिवर्त आप भी, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे तो इधर ही लिखेंगे, तो हमने a प्लस बी की वैल्यू ये प्राप्त की, तो a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू नहीं, इसके परिवर्त की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए परिवर्त का मतलब मैंने आप सभी को बताया है कि जो भी आप भी दिया जाए उसकी पंक्तियों को आप कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम है तो उसको पंक्तियों में बदल दीजिए, वही परिवर्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पंक्ति है, इसको आप कॉलम में बदल दीजिए, -5 3 -2 -5 3 -2, ये पंक्ति में था इसको स्तंभ में बदल दिया, अब ये पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दीजिए, 6 9 9, तो 6 9 9, -1 4 2 -1 4 और 2। इस तरीके से आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ जाती है तो ये चीज आपकी प्रूव हो जाएगी, यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को सत्यापित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर इधर थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में आपका है ए डैश प्लस का बी डैश। ए डैश का मतलब जो आव्यूह ए दिया गया है इसका परिवर्त आप लिखिए, तो परिवर्त लिखने के लिए क्या करते हैं, जो आव्यूह दिया गया है इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, -1 2 3, ये पंक्ति थी इसको स्तंभ में बदल दिया, ये पंक्ति है 5 7 9 इसको स्तंभ में बदल दिया, ये पंक्ति है आपकी -2 1 1 इसको स्तंभ में बदल दिया, अब ये वैल्यू हो गई ए डैश की, है ना। फिर प्लस लगाएंगे, अगर हमें बी डैश की वैल्यू प्राप्त करनी है यानी बी आव्यूह का परिवर्त निकालना है तो इसकी भी पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल देंगे, तो -4 1 -5 हो जाएगा, ये पंक्ति है 1 2 0 इसको स्तंभ में बदल देंगे, ये पंक्ति है 1 3 1 इसको स्तंभ में बदल दिया, इसको मिलने नहीं देना भाई आप, है ना। तो ये भी आपका बी डैश हो गया, ए डैश और बी डैश हमें जोड़ना है, इसका जो योग आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो चलिए इसका योग करते हैं, देखिए हमें कितना मिलेगा, -1 -5 -4 -5 हो जाएगा,
5, 1, 6 हो जाएगा, माइनस 2 और 1 ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, 2 और 1 ये आपका 3 हो जाएगा, 7 और 2 ये आपका 9 हो जाएगा, 1 और 3 ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और माइनस 5 माइनस का 2 हो जाएगा, 9 और 0 ये आपका 9 हो जाएगा, 1 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो मैंने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। एक एक अवयव आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लिख देना इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही चीज़ यहाँ पर आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरीके से भली बात समझ लिया होगा। अब चलिए इसको यहाँ पर हम ग्राफ करते हैं और दूसरा पार्ट आप सभी को स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, इसको यहाँ पर ग्राफ कर देते हैं। तो अब इसी क्रम में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए डैश इक्वल टू आपको दिया गया और बी इक्वल टू आपको दिया गया है। यहाँ पर ए डैश दिया गया तो आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक आव्यूह ए था, उसके परिवर्त की वैल्यू दी गई है, आपको उस आव्यूह की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या आप उल्टा कर लीजिए बस, यहाँ पर देखिए ए डैश की वैल्यू ये है तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भाई, जब रो है उसको कॉलम में बदल लीजिए, तो 3 और 4 ये रो थी इसको कॉलम में बदल लिया, -1 और 2 इसको कॉलम में बदल लिया, 0 और 1 ए की वैल्यू ये होगी। तथा अगर बी की बात करें तो बी की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ पर ए प्लस बी के होल डैश की बात कही जा रही थी LHS में, LHS RHS दोनों में सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं LHS लेने पर, तो a प्लस बी पहले हम फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू आप देख सकते हो इतनी है और b की वैल्यू इतनी है, तो चलिए रखिए a की वैल्यू 3 -1 0 4 2 1 और प्लस अगर b की बात करें तो b की वैल्यू है -1 2 1 और 1 2 3। चलिए जोड़ लेते हैं तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, संगत अवयव ही जोड़ेंगे, 3 -1 2 हो जाएगा, -1 और 2 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 0 और 1 ये आपका 1 हो जाएगा, 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, 2 और 2 ये आपका 4 हो जाएगा, 1 और 3 ये आपका 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपने a प्लस बी ज्ञात कर लिया है, आपको ज्ञात करना है a प्लस बी का होल डैश, यानी ये जो अवयव प्राप्त हुआ है इसका परिवर्त निकालिए। तब a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो ये आपकी पंक्ति है इसको कॉलम में बदल दीजिए बस, 2 1 1 है ना, और उसके बाद 5 4 4 को आप जो है कॉलम में बदल दीजिए, 5 4 4, ठीक है। ये आपको a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू मिल गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू तो आपकी आ चुकी है, राइट हैंड साइड आपको निकालना है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं ना, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर दें जिससे हमें प्लेस मिल जाए ना। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, लिखोगे राइट हैंड साइड लेने पर, तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है a डैश प्लस बी डैश। a डैश की वैल्यू आपको ये देखो दी गई है, लिख दीजिए भाई a डैश की वैल्यू 3 4 -1 2 0 1 प्लस b डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये b की वैल्यू है, b डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये जो आपकी पंक्ति है उसको इस तरह बदल दीजिए, -1 2 1, ये b डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, इसको मिलने नहीं देना है ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो a डैश प्लस b डैश की वैल्यू मिल जाएगी 3 और -1 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, -1 और 2 ये आपका 1 हो जाएगा, 2 और 2 ये आपका 4 हो जाएगा, 0 और 1 आपका 1 हो जाएगा, है ना, 1 और 3 ये आपका 4 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है और वो बिल्कुल मैच कर रही है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से, प्रत्येक एलिमेंट मैच कर रहा है। इसलिए इस प्रकार यहाँ पर लिखोगे इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो गई। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 2 आप सभी को इसी तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अब हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि a डैश इक्वल टू एक अव्यूह दिया गया है, b इक्वल टू एक अव्यूह दिया गया है, तो a प्लस 2b के होल डैश की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर a डैश की वैल्यू दी गई है तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, माइनस दो और तीन, एक और दो। इस तरीके से आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली। b की वैल्यू आपको पता है, फाइंड करना है a प्लस टू बी का होल डैश। पहले आप a प्लस टू बी तो याद कीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे a प्लस टू बी इक्वल टू a की वैल्यू आपको दी गई है माइनस दो, एक, तीन और दो। उसके बाद प्लस टू इंटू बी की वैल्यू आपको पता है, ये देखो दिया गया है माइनस एक, ज़ीरो, एक और दो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा माइनस दो, एक, तीन और दो। उसके बाद हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दो एकम कितना हो जाएगा, माइनस का दो, दो शून्यम शून्य, दो एकम भाई दो, दो दुनिया आपका हो जाएगा चार। ये दोनों आप जो सेम ऑर्डर के हैं जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आपको a प्लस टू बी की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी देखिए ध्यान से, माइनस टू, माइनस टू, माइनस का फोर, वन, ज़ीरो, वन, है ना, थ्री और टू ये आपका हो जाएगा फाइव, टू और फोर ये आपका हो जाएगा सिक्स। a प्लस टू बी की वैल्यू अगर इतनी है तो यहाँ से इसके परिवर्त की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस टू बी के होल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, फोर ये वन हो जाएगा, इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए फाइव, सिक्स। इस प्रकार आपको a प्लस टू बी के होल डैश की वैल्यू मिल गई। तो ये हो जाएगी वैल्यू a प्लस टू बी के होल डैश की। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। इसको यहाँ पर हम रफ किए देते हैं। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर पाँच नोट किया है। और क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या कहा जा रहा है कि a तथा b अभ्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी के होल डैश की वैल्यू जो है, यानी a और b अभ्यूह का गुणा कीजिए, उसका डैश निकालिए, यानी उस अभ्यूह का परिवर्त निकालिए, उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो b डैश इंटू a डैश के बराबर होनी चाहिए। b डैश a डैश का मतलब ये कि जो b अभ्यूह दिया है उसका परिवर्त निकालिए, तो वहाँ से एक आपको अभ्यूह मिलेगा। a अभ्यूह जो दिया जाए उसका परिवर्त निकालिए, वहाँ से एक अभ्यूह मिलेगा। दोनों अभ्यूहों का मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का होल डैश, तो पहले ए बी तो निकालिए। तो ए की वैल्यू है आपकी एक, माइनस चार और तीन, और बी की वैल्यू आपकी है माइनस एक, दो, एक। ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस पर आप पड़ी लाइन खींचोगे और ये खड़ी लाइन, यानी इस पड़ी लाइन के तीनों कॉलम से हमें गुणा करना है। एक और माइनस एक का गुणा माइनस एक, एक और दो का गुणा दो, एक और एक का गुणा एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे दूसरी रो पर, माइनस चार और माइनस एक का गुणा प्लस चार हो जाएगा, माइनस चार और दो का गुणा माइनस आठ हो जाएगा, माइनस चार और एक का गुणा माइनस चार हो जाएगा। फिर आ जाएंगे तीसरी रो पर, तीन और माइनस एक का गुणा माइनस तीन हो जाएगा, तीन और दो का गुणा छः हो जाएगा, तीन और उसके बाद एक का गुणा तीन एक कम तीन हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो यहाँ से हम ए बी के होल डैश की वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी इसका परिवर्त आप भी निकालेंगे। तो चलिए परिवर्त कर लेते हैं, रो को कॉलम में बदलेंगे। माइनस एक, दो, एक, चार, माइनस आठ, माइनस चार, माइनस तीन, छः, तीन। इस प्रकार हमने ए बी के होल डैश की वैल्यू प्राप्त कर ली। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमारा ये है कि बी डैश ए डैश निकालिए। तो b की वैल्यू आपको पता है, b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पंक्ति को आप इस तरह में बदल दीजिए, माइनस एक, दो, एक, ये b डैश की वैल्यू हो गई। ये कॉलम है, इसको आप पंक्ति में बदल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एक, माइनस चार, तीन। इस प्रकार आप देख रहे हो कि ये जो मिल गया, ये हमें a डैश मिल गया। a की वैल्यू ये थी, ये a डैश हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा b डैश a डैश इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक और एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक, माइनस एक माइनस चार का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा प्लस का चार, माइनस एक और तीन का मल्टीप्लाई माइनस का तीन। फिर आ जाएंगे दूसरी रो पर, दो और एक का मल्टीप्लाई दो, दो और चौके आठ हो जाएगा, दो तेई छः हो जाएगा। फिर आ जाएंगे एक पर, एक और एक का मल्टीप्लाई एक हो जाएगा, एक और चार का मल्टीप्लाई माइनस चार हो जाएगा, एक और तीन का मल्टीप्लाई तीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। तो एकदम प्रत्येक एलिमेंट मैच कर रहा है, ये आपस में दोनों अभ्यू क्या है, इक्वल हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार ए बी के होल डैश की वैल्यू जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये पार्ट टू जो है सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप अपने मन से अगर कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे
तो आपको ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ज्ञान में जो है बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो कोशिश अपने मन से कीजिए सवालों को लगाने की। ठीक है, जो चीज़ नहीं आती उसको समझने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश अपने मन से कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रफ कर दें। तो अब हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है। आप देख सकते हैं उसमें दो पार्ट हैं और दोनों पार्टों में एक ही बात आपसे प्रूव करने के लिए बोली जा रही है। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है तो सत्यापित करना है कि जो आव्यूह है और उसके जो परिवर्त आव्यूह की वैल्यू उसका मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी एक तत्समक आव्यूह है। बिल्कुल सेम बात आपकी पार्ट नंबर 2 में भी यही बोली जा रही कि यदि ए इक्वल टू एक आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए कि ए ए डैश की वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आप सॉल्व करोगे, है ना। चलिए, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो बार बार ये कहोगे कि सर जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट हम लोगों को दे देते हैं। तो अब इस बार हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना है और दोनों क्वेश्चनों को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए, यहाँ पर ए इक्वल टू आपको आप भी दिया गया है तो यहाँ से आप ए डैश की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। ए डैश का मतलब इसके परिवर्त की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। इस प्रकार ये आपको ए डैश की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, तब वैल्यू प्राप्त करना है ए ए डैश की। तो ए की वैल्यू जितनी है वो रख दीजिए भाई, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और दिया गया है साइन अल्फा। और ए डैश की अगर हम बात करें तो ए डैश की वैल्यू ये है, रख दीजिए भाई आप साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा और कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपको इकाई आप भी ये मिलना चाहिए 1001। ठीक है, बस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, बिकड़ के सारे अवयव 1 होने चाहिए बस। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे रो खींचेंगे और कॉलम पर ऐसे हम तीर बनाएंगे। तो साइन अल्फा का उड़ा, साइन अल्फा से हो जाएगा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। बात समझ में आ रही। फिर आ जाएंगे दूसरी रो पर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से, कॉस अल्फा साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस लगाएंगे। साइन अल्फा का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। क्लास टेंथ में आप लोगों ने एक सरसंख्या पढ़ी है त्रिकोणमिति चैप्टर में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ए इंटू ए डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें विपरीत हैं लेकिन परिमाण में समान है, इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। इसी प्रकार ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। और ये एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के हो गया बराबर, और यही चीज़ हमें यहाँ पर क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। इसी तरीके से आप पार्ट 1 को सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो चाहे इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब हमने आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नोट किया है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं और इसमें बात कही जा रही है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह की। तो पहले समझ लेते हैं कि सममित आव्यूह होता क्या है। देखिए, सममित आव्यूह की परिभाषा की अगर बात करें तो जैसे आपको कोई एक आव्यूह दिया जाए और उस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालें, तो जो आव्यूह था वो उस परिवर्त आव्यूह के अगर बराबर हो जाए तो दिया गया आव्यूह आपका एक सममित आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक आव्यूह दिया जाए, ठीक है, उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दें और परिवर्त आव्यूह निकालें, तो जो परिवर्त आव्यूह आए वो उस दिए गए आव्यूह के जैसा ही हो। मतलब रो कॉलम आपस में विनिमय करने पर भी आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन ही ना आए, एलिमेंट वैसे के वैसे ही नजर आए, तो वह आव्यूह आपका सममित आव्यूह कहलाता है। अगर हम विषम सममित आव्यूह की बात करें तो विषम सममित आव्यूह की परिभाषा ये होती है कि जैसे एक आव्यूह आपको दिया जाए और उसका परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो ऋणात्मक हो जाए। क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए, बाकी आव्यूह आपस में बराबर ही रहे, तो वह आव्यूह आपका विषम सममित आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब ये कि जो आव्यूह दिया जाए उसका परिवर्त आव्यूह निकालो और उससे आप माइनस कॉमन ले लो तो जो आव्यूह आपका यहाँ पर ए डैश हो वो इसी के बराबर हो एकदम सेम।
तो विषम सममित अवयव कहलाता है। दोनों क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तुरंत आप समझ जाओगे, बस ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ए एक अवयव दिया गया है, दिया गया है 1-1 5। यहाँ पर देखिए माइनस वन, इसको नोट कर लीजिए, माइनस वन, ठीक है, और दिया गया 5 2 1 1 3। अगर आप इस अवयव का ए डैश निकालते हो, क्या निकालते हो भाई, ए डैश परिवर्त अवयव, तो परिवर्त अवयव निकालने पर जो रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं, 1-1 5। इस रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 2 1। तीसरी रो को कॉलम में बदल देंगे, 5 1 3। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वैल्यू जो ए है वो ए डैश के बराबर है। आप देखिए 1 1 -1 -1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। मतलब सीधी बात, जो अब दिया गया उसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं तो हमको वही अब भी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए की वैल्यू जो है वो ए डैश के बराबर है, अतः ए एक सममित अवयव है। कैसा अवयव भाई, सममित अवयव है, ए एक सममित अवयव है। बात समझ में आई कि सममित अवयव क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर विषम सममित की। जैसे मान लीजिए विषम सममित की बात करें पार्ट टू में देखें, तो यहाँ पर आपको एक अवयव दिया गया है। क्या दिया गया है, एक अवयव, पार्ट टू को देखिए, ए अवयव दिया गया है। तो पहले अवयव को नोट कर लेते हैं, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसका हम क्या निकालें, परिवर्त अवयव, यानी ए डैश निकालें। तो ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, 0 1 -1, फिर इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, -1 0 1, फिर इस रो को आप कॉलम में बदल दीजिए, 1 -1 0, फिर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, जैसे कॉमन लोगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस, इसमें से कॉमन लोगे ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ये -1, ये आपका +1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये +1 हो जाएगा, ये +1 है, -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आप देखिए 0 0 1 1 -1 -1, सारे एलिमेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपके ए डैश की वैल्यू है और आगे माइनस लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो ए की वैल्यू है वो माइनस ए डैश के बराबर है, मतलब माइनस क्या लग गया, बाकी वैल्यू आपकी सेम ही है। तो ये जो कंडीशन होती है ये विषम सममित अवयव की कंडीशन होती है। इसका मतलब जो ये ए एक अवयव है, ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। कैसा अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो इन दो क्वेश्चनों में सममित और विषम सममित की बात कही जा रही थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सममित और विषम सममित अवयव को समझ गए होंगे। आगे हम सममित और विषम सममित अवयव पर आधारित क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है।